ॐ ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुरभैरवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि के पांचवें दिन मैं आप सभी के समक्ष महाविद्या त्रिपुर भैरवी माता की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। जयकारा महामाईदा, बोल साचे दरबार की जय। माँ त्रिपुर भैरवी को चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कोलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि कई नामों से जाना जाता है। त्रिपुर भैरवी माता की पूजा करने से सभी प्रकार के बंधन दूर हो जाते हैं। इसी कारण इन्हें बंदी छोड़ माता भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र रूप की कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। यह देवी श्याम वर्ण की हैं तथा इनके तीन खुले हुए नेत्र हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। इनकी चार भुजाएं और लंबे काले घनघोर बाल हैं। चार भुजाओं वाली त्रिपुर भैरवी माता अपने दाएं हाथों में खड़ग तथा नरमुंड से निर्मित खप्पर को धारण किए हुए हैं तथा बाएं हाथों में अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। देवी त्रिपुर भैरवी का मुखमंडल बहुत डरावना है। वह रुद्राक्ष, सर्पों तथा नरमुंड की माला को धारण किए हुए हैं। यह देवी दाह संस्कार की अग्नि है। देवी त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य मृत देह से हुआ है तथा इनकी शक्ति मृत देह को पंच तत्व में विलीन करती है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी माता लाल वस्त्र तथा गले में मुंड माला धारण किए हुए हैं। उनकी पूरी देह पर रक्त चंदन का लेप है। अपने सौम्य रूप में माँ दाएं हाथों में जाप माला तथा पुस्तक धारण करती हैं और बाएं हाथों से वर तथा अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं और कमल के आसन पर विराजमान हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से भक्तों को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्राप्त होती हैं। इनकी साधना करने से षोडश कला में निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और आकाश में वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि मनुष्य धनी बनकर सभी सुखों का भोग करता है। माँ त्रिपुर भैरवी की सच्चे मन से आराधना करने से मन वांछित वर या कन्या से विवाह होता है और जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। त्रिपुर भैरवी माता उधरवान वय की देवी हैं। यदि आज के दिन माँ की सच्चे मन से आराधना की जाए तो जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ साथ निरोगी काया की प्राप्ति होती है। आइए अब शुरू करते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। ह्रीम भैरवी क्लोम ह्रीम स्वाहा, बोलो त्रिपुर भैरवी माता की जय। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार जब काली देवी के मन में आया कि वह पुनः अपना गौरवर्ण प्राप्त कर ले तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव ने जब देवी को कैलाश पर्वत पर नहीं पाया तो वह व्याकुल हो गए और उन्हें ढूंढने का प्रयास करने लगे। इसी बीच शिव भगवान ने नारद जी से देवी के बारे में पूछा। तब नारद जी ने उन्हें देवी का बोध कराते हुए कहा कि माँ शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु पर्वत के उत्तर में हो सकते हैं। संभव है कि देवी वहीं उपस्थित होंगी। तब शिव शंकर भगवान के आदेश के अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए सुमेरु पर्वत पर चले गए। जब नारद जी सुमेरु पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देवी माँ को प्रणाम करके शिव भगवान की व्यथा सुनाई और माँ से विनती करने लगे, आप कैलाश पर्वत पर लौट चलें। देवी माँ का ध्यान टूटने से माँ क्रोधित हो गई और तभी माँ के दिव्य शक्ति से एक अन्य विग्रह प्रकट हुआ। उसी विग्रह को
त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। बोलो त्रिपुर भैरवी मैया की जय। त्रिपुर भैरवी माता ने ही 18 भुजाओं से युक्त दुर्गा के रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। इस प्रकार त्रिपुर भैरवी माता की कथा पूर्ण हुई। बोलो जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज नी आई जय माता दी, बुल निकस दे जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, अगले भी बोलो जय माता दी, पिछले भी बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मातृपुर भैरवी।